शिवसेना के दीपाली सैयद ने हाल ही में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक शब्द प्रयोग किया, जिसका भाजपा महिला अगाड़ी द्वारा विरोध करते हुए सीतामढ़ी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। इस दौरान भाजपा महिला अगाड़ी की कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थी। कार्यकर्ताओं द्वारा दीपाली सैयद के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई है। यहाँ बरडी पुलिस स्टेशन में नागपुर नगरी, जो भारत का मध्य भाग है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन में हम लोग FIR दर्ज करने आए हैं। और FIR भी ऐसे शिवसेना की इतनी नालायक नकारती कार्यकर्ता के खिलाफ, जो पंतप्रधान जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं उनके खिलाफ लुच्चा शब्द यूज करती है। इसके पहले भी हमने दो निवेदन पर पुलिस स्टेशन में दे चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस और अमृता वहिनी के बारे में उन्होंने अपशब्द कहे थे और बेताल वक्तव्य करती है, कुछ ताल नहीं होता है उसमें। ऐसी व्यक्ति को शिवसेना में क्या, भारत में रहने के बाद भी उसको अगर FIR दर्ज करके अंदर क्यों नहीं डाला जाए? हमारे पंतप्रधान क्या गाली देने के लिए है? हमारे पंतप्रधान सर्वोच्च पद पे और सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में प्रख्यात है, और उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो महिला मोर्चा ये सहन नहीं करेगा। आज हम यहाँ FIR दर्ज करने हैं और FIR दर्ज करके जाएंगे। आज जो BJP महिला मोर्चा हमारा यहाँ आया है, इसके पीछे मकसद यह है कि एक अभिनेत्री जिसको बोलते हैं वो साइड अभिनेत्री है कि कौन है, जिसको सीने स्टार भी नहीं पहचानता, और वो बोलती है हमारे पंत प्रधान के विरोध में गंदी गंदी गालियां दे रही है, गंदे शब्द बोल रही है, अपशब्द बोल रही है। और आज की हमारी विकास आघाड़ी, जिसको बोलते महाविकास आघाड़ी या महाविनाश आघाड़ी, मुझे पता नहीं है क्यों ये ऐसे महिलाओं को क्यों बोलने के लिए छूट दे रही है, और यह हल्की प्रसिद्धि पाने के लिए यह सब व्यक्तित्व दे रही है। तो हमारी है कि दीपाली सैयद को उसके FIR, उसके विरोध में हमारा महिला मोर्चा यहाँ FIR रजिस्टर करने नागपुर पुलिस स्टेशन पहुँचा है।